बताइए, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। टू प्रोजेक्टाइल है, देखो दो प्रोजेक्टाइल है, सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ लाइट क्या कंडीशन निकालना है। एक को मैंने यहाँ से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को मैंने यू से यू 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो आपको पता होगा कि ऐसे प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। जब भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, अल्फा प्लस बीटा 90 होता है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अल्फा 30 है और बीटा भी 60 है, तो इनका सम 90 है। अगर ऐसा कभी भी प्रोजेक्शन होता है, जैसे मान लो एक को मैंने 20 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और दूसरे को मैंने 70 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। बेसिक है प्रोजेक्टाइल का, जो हम पढ़े हो गया प्रोजेक्टाइल का, कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम, क्या सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो आप करना चाहते हो तो इसको कर लो, करना चाहते हो तो रेंज का फार्मूला लगा दो, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर आप 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किए हो तो यू स्क्वायर साइन 30, साइन 30 कितना होगा, ये 62 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया अपॉन जी, तो साइन 60 कितना होता है, √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया। फिर एक को 60 डिग्री पे किए तो R1 और R2 इज इक्वल टू रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है, तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 60 है तो 120, तो 120 अपन जी, ठीक है। और 120 अपन जी क्या होता है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 120 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, दैट इज जी, ठीक है। तो 90 प्लस 30, इसका मतलब ये हुआ कि यू स्क्वायर 90 प्लस 30, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यह जाएगा cos 30 अपन जी, cos 30 इज इक्वल टू साइन 60 √3 अपन टी यू स्क्वायर अपन जी, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि हम देखो R1 और R2 बराबर हो गया, रेंज बराबर है, इतना सॉल्व करने से अच्छा है कि हमें कॉन्सेप्ट याद हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है। जैसे हो गया 30 हो गया, 60 हो गया, 20 हो गया, 70 हो गया, ठीक है ना, 40 हो गया, 50 हो गया, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनके लिए रेंज हमेशा सेम होता है प्रोजेक्टाइल में।